दिल्ली की 30,000 कोर्ट में शनिवार को खाकी और काले कोर्ट के बीच छिड़ा खूनी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि 30,000 हिंसा मामले को लेकर अब देश के कई राज्यों में वकीलों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के वकील अब दिल्ली के वकीलों के समर्थन में उतर आए हैं और आज हड़ताल के साथ साथ कामकाज ठप रखने का भी ऐलान किया है। राजस्थान बार काउंसिल ने तो बयान जारी कर यहां तक कह दिया है कि दिल्ली पुलिस ने 30,000 कोर्ट में वकीलों के खिलाफ जिस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने 30,000 कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। इस जांच में सीबीआई डायरेक्टर के अलावा आईबी और विजिलेंस डायरेक्टर के साथ साथ सीनियर अधिकारी भी होंगे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में दलील दी कि 30,000 हिंसा मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। हालांकि हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को घायल वकीलों के बयान दर्ज करने और आरोपी पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने का भी निर्देश दिया है। आपकी जितनी वीडियो क्लिपिंग्स हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, उसके बेस पे चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया सुओ मोटो। बड़े बड़े अफसरान वहाँ थे, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट फाइल की और अपनी रिपोर्ट पे उन्होंने जो झूठ था उस पर और एक पर्दा चढ़ाना चाहा। मतलब ये कहना कि बुलेट जो है हवा से निकली और उसको लग गई, तो मैं समझता हूँ कि जज भी इस बात को सोच के मन ही मन हंस रहे होंगे कि ये किस तरह से रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। तो इस सारे एपिसोड में अब जो कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा जो है ऑर्डर किया है, जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को घायल वकीलों का एम्स में इलाज कराने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को घायल वकीलों को फौरन मुआवजा देने को भी कहा। रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 30,000 कोर्ट परिसर में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प में घायल वकीलों से मिलने सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल पहुंचे। केजरीवाल ने भरोसा दिलाया कि जो भी वकील इस घटना में घायल हुए हैं, दिल्ली सरकार उनका पूरा खर्च उठाएगी। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। बहुत ही दुखद घटना है और जिस तरह से वकीलों के ऊपर गोली चलाई गई, उस पूरे इंसिडेंट की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इस तरह से बिना किसी कारण के गोली चलाना सही बात नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर्स किए हैं और जो कमेटी बिठाई है, उससे जो लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ उनको सुकून मिल सके। फिलहाल अभी मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। यही वजह है कि 30,000 अदालत परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें, पार्किंग को लेकर हुए इस पूरे विवाद में पुलिस और वकीलों के बीच मामूली सी कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया, जिसकी एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर तस्वीरें और सीसीटीवी वीडियो सामने आए, जिसमें न सिर्फ वकीलों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हुई बल्कि पुलिस वाले भी कानून का जमकर माखौल उड़ाते नजर आए। इस मामले में अभी तक 4 FIR दर्ज हो चुकी हैं और जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।